गिरफ्त में बैठे तीनों युवक को दिल्ली के पटपड़गंज पुलिस ने एक युवक के अपहरण में गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो तीनों युवक दिल्ली के अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तीनों ने रातों रात अमीर बनने की चाहत में एक युवक का अपहरण कर लिया और उसके बिहार में रहने वाले परिजनों से मोटी रकम की डिमांड की। लेकिन जब उसके दिहाड़ी मजदूर होने के बारे में पता चला तो मात्र 70,000 रुपए की फिरौती पर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सर, एक किडनैपिंग के मामले में जो चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला सर? ये 9 तारीख को करीबन शाम को 4 बजे हमें कॉल मिली थी कि एक बम कुमार नामक आदमी को किडनैप कर लिया गया है और उनसे फिरौती की मांग करी हुई है। तो जैसे ही हमारे पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में ये कॉल आई और इनके जो दोस्त जिनको कॉल की गई थी वो थाने में आए, तो हमने तुरंत 3 टीम्स का गठन किया और सादा कपड़ों में ये रेड ऑर्गेनाइज की। पुलिस का कहना है कि फिरौती की रकम तय होने के बाद अपहरित युवक ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरित युवक को छुड़ा लिया। तो जब जहां पे एक्यूज्ड इनको पैसा डिलीवर करने के लिए बुलाया था वहां पे पीछे पीछे हमारी टीम गई, उन्होंने वहां रेड करी तो वहां मौके पर से 2 लड़कों को तुरंत पकड़ लिया गया। फिर उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि 2 और लड़के ये विक्टिम बम कुमार के साथ एक होंडा सिविक गाड़ी में बगल में ही एक गली में उनका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर दोबारा से वहाँ रेड की गई तो विक्टिम को सेकुशल वहाँ से रेस्क्यू करा लिया गया और 2 और लड़कों को वहाँ से पकड़ा गया। इसमें जो लड़के हैं ये सागर राणा, सुशांत, विक्की कादियान और अमर पंडित, जो कि गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। युवक के सकुशल मुक्त होने के बाद पुलिस के साथ परिजनों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना से कई सवाल भी खड़े हो गए। मथुरेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।